जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं ऋषि और आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसा है, सब ठीक ठाक से? दोस्तों आज बातचीत करो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का कट ऑफ के बारे में, क्योंकि दोस्तों एक्सपेक्टेड एक कट ऑफ लाया है। दोस्तों इतना मार्क है तो आपका 100% इस बार नौकरी हो सकता है। दोस्तों आपको भी मौका मिल सकता है मिनिस्ट्रियल स्टाफ बनने के लिए। दोस्तों आप लोगों को जो मार्क एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा मार्क मैं बताने वाला, मतलब इसमें देखिए आपको खुद आप लोग जो सिलेक्ट किया था इसमें कम्युनिटी पोस्ट में मैं डाला था, और इसमें कितना परसेंट है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसका हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊँगा इसका कट ऑफ कितना तक जा सकता है दोस्तों, और कितना होने से आपका इस बार नौकरी पक्का है। दोस्तों आप लोग कंप्लीट वीडियो देख लेना, शुरू से लास्ट तक कंप्लीट देख लेना, तभी आपको समझ में आ जाएगा क्या बात बोल रहा हूँ और आपको कितना मार्क होने से आपको इस बार सेफ है। सेफ स्कोर भी बता दूंगा फाइनल मेरिट के लिए दोस्तों, और टाइपिंग के लिए कौन कौन आदमी रेडी रहना है वो भी मैं बता दूंगा, टाइपिंग कितना मार्क्स से आपका बुलाएगा दोस्तों। और देखिए तब आप लोगों को दोस्तों मैं जैसे आप लोगों को दिया था इधर 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, दोस्तों इसमें वोट आया लगभग दोस्तों बहुत ही वोट आया है आप लोगों को दिया है, और इसमें आप लोगों को तो ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों 40%, 48%, मतलब 40 से ऊपर जिसको मिला है 48% कैंडिडेट है, और 50 के ऊपर मिला है 18% है, और 60 के ऊपर दोस्तों 15% कैंडिडेट है, 70 जो प्लस है मार्क उसका है 7%, और 80% जो मतलब 80 का ऊपर है 13% है। दोस्तों अभी जैसे सभी को पता है बहुत हार्ड आया है, और अभी तक नॉर्मलाइजेशन कब होगा क्या नहीं वो भी बाद में बात का बात है। अभी आप लोगों को बता देते, जैसे आप लोगों को आंसर की मिला है उसका हिसाब से आप लोगों को फाइनल स्कोर और कौन कौन आदमी मतलब टाइपिंग के लिए रेडी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए तो आपका लगभग दोस्तों मैं कट ऑफ जो बनाया हो, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ लेके आया हो जनरल कैंडिडेट के लिए, दोस्तों देखिए जनरल कैंडिडेट दोस्तों 60 का ऊपर आपका है तो आपका इस बार जॉब फाइनल है दोस्तों। 99% आपका चांस रहेगा दोस्तों आप टाइपिंग क्वालिफाइड करेगा, तो लास्ट में बता दूंगा टाइपिंग कितना मार्क्स से आपको बुलाएगा इस बार। और आपका 60% से ऊपर आपका जनरल कैंडिडेट का है, 60 से लेकर 65 आपका पूरा आप सोच लीजिए हेड कांस्टेबल मिनिस्टर आप बन गया दोस्तों। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मैं बात बोल रहा था दोस्तों, ईडब्ल्यूएस से आप बिलोंग करते हो तो 58 से लेकर 60 के अंदर आपका मार्क है तब आपका भी किस्मत खोलने वाला है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत ऐसा कैंडिडेट 40% मतलब 40 मार्क के ऊपर ही 48% है दोस्तों। आप खुद सोच लीजिए 50 के ऊपर है 18% और आपको 80 के ऊपर भी 13%, मतलब आप एक एक्यूरेट लगा सकता है, खुद लगा सकता है आप भी। और इसमें SC कैंडिडेट से आप बिलोंग कर रहे हैं दोस्तों, 50 से लेके 55 का अंदर जिसका है उसका भी चांस फाइनल तक पूरा मिल सकता है दोस्तों फाइनल सिलेक्शन के लिए। दोस्तों इतना ही रहेगा दोस्तों, इससे थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, इतना मार्क आप देख लेना खुद। और क्योंकि अभी देखिए आपका टाइपिंग भी पास करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो टाइपिंग में बहुत निकल जाएगा तो कैसे होगा दोस्तों। ST कैटेगरी से बिलोंग करता है दोस्तों, आप 55 से लेकर 58 के अंदर आपका है तो आप ST कैटेगरी में आप भी हो सकता है सिलेक्ट। ओबीसी कैंडिडेट का मैं बात बोल रहा हूँ, 56 से लेके 58 के अंदर आपका मार्क है तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए भी इस आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है दोस्तों, और इतना मार्क है तो आप फाइनल सिलेक्शन तो आपको क्या है रेडी हो सकता है दोस्तों, इस साल आपको ज्वाइनिंग मिल सकता है। और नेक्स्ट आपको बता देता हूँ दोस्तों टाइपिंग के लिए आपको कितना मार्क से बुला सकता है दोस्तों, और कितना आप लोग जान लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको भी रेडी अभी होना है दोस्तों। आंसर की आ गया फाइनली, आपको टाइपिंग अभी स्पीड करना है, क्योंकि टाइपिंग में रिजल्ट आपको उसी दिन ही मिल जाएगा दोस्तों, कौन पास है कौन फेल है, इसलिए आपको मेहनत नहीं करेगा बहुत मुश्किल है दोस्तों। और टाइपिंग ऐसा होता है डिपार्टमेंट से हम पता किया है, मतलब बहुत सारा कैंडिडेट फेल हो जाता है टाइपिंग में गलती से, क्योंकि उसको आता है किंतु वो क्या है घबराहट हो जाता है, उसको टेंशन हो जाता है, उसका वजह से वो फेल हो जाता है। और आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, जैसे आप लोगों को मार्क दिया था 40% या 35%, 40% था जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ST SC के लिए 35%, वही परसेंट आपका होगा तब आपको टाइपिंग के लिए बुलाएगा, मौका मिल जाएगा टाइपिंग के लिए। हो सकता है कम मार्क वाला भी फाइनल तक सिलेक्ट हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा मार्क आउट हो जाएगा, तो इसलिए दोस्तों आपको जो ज़्यादा मार्क मिला आप भी रेडी हो जाए, और कम मार्क मिला 40 से 35 के ऊपर तो आप लोग भी रेडी हो जाए टाइपिंग के लिए, क्योंकि किस्मत किसका खुलेगा पता नहीं दोस्तों। दोस्तों इतना ही था वीडियो, और हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना। जय हिंद, बने रहो।